असलम रियर लर्नर एन ऑनटरपिन्योर एंड वेलकम इन दॉपिक टॉपिक है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इन ऑनटरप्र्योरशिप टॉपिक को सुनकर काफी लोगों को ये लगता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट और ऑन्टरप्रोरशिप का आपस में क्या ताल्लुक हो सकता है बट रिसेंटली बहुत लीडिंग यूनिवर्सिटीज अब बाकायदा पी एच डी प्रोग्राम लॉन्च कर रही है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इन ऑनटरप्रन्योरशिप बिकॉज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के काफी ज्यादा एरियाज ओवरलैप कर रहे हैं ऑनटरप्रनोरशिप में और ऑनटरप्रनोरशिप के बहुत से एरियाज ओवरलैप कर रहे हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में आइए हम ये देखते हैं कि किस तरह स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट और ऑनटरप्रनोरशिप एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं पहले तो हम बात कर देते हैं स्ट्रेटेजी की कि स्ट्रैटेजी बेसिकली होती क्या है स्ट्रेटेजी का वर्ल्ड बेसिकली आर्मी से आया है जब आर्मी दो मुल्कों की हो वो आपस में लड़ रही हैं तो उनके पास जो पीस ऑफ लैंड यानी जो रिसोर्सेज हैं लिमिटेड है वाइज जो आर्मी है नंबर ऑफ यू नो मैन दे हैव वो भी लिमिटेड है उसी लिमिटेड जमीन पर उसी लिमिटेड असल और उसी लिमिटेड आर्मी फोर्सेस के साथ उन्होंने एक दूसरे के साथ जंग करनी है कॉन्टेस्ट करना है और कोशिश ये करनी है कि वो पीस ऑफ लैंड को ऑक्यूपाई कर सके और उसके लिए मल्टीपल स्ट्रेटजीज डिजाइन की जाती थी जंगे जीती ही इसलिए जाती हैं बिकॉज मुख्तलिफ मुल्कों की जब फोर्सेज आमने सामने आती है तो जिसकी स्ट्रैटेजी बेहतर होती है वो ही उस जंग को जीत जाती है यही हाल एक ऑनटरपन्यर का भी होता है जब वो मार्केट में जाता है तो मार्केट में नंबर ऑफ कस्टमर्स भी लिमिटेड होते हैं बाज अवत मार्केट भी लिमिटेड होती है और उसी लिमिटेड मार्केट में से उसने अपना शेयर निकालना होता है इसीलिए जब वो अपने बिजनेस आइडिया को लेकर जाता है या स्टेप उस पे टू के ऊपर जहां उसने ग्रो करना होता है तो उसको एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी चाहिए होती है अपने बिजनेस को स्टेब्लिश करने के लिए या ग्रो करने के लिए बाय डेफिनेशन स्ट्रैटी इज एन एक्शन प्लान दैट सिंक्रोनाइजेज द टेंजल एंड इनटेंजबल रिसोर्सेज फॉर अचीविंग ए सेट टारगेट फॉर सुपीरियर परफॉर्मेंस यानी स्ट्रेटजी आपका वो एक्शन प्लान होगा जो आपके लिमिटेड टेंजेबल और इंटेंजिबल रिसोर्सेज को इस तरह से सिंक्रोनाइज करेगा यानी उसकी इस तरह की कॉन्फिग्रेशन होगी जो यूनिक भी होगी और यूनिक होगी तभी आप अपने कंपेटिटर से ज्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकेंगे अच्छा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन को अगर आप देखें स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बेसिकली इज अ ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्यों जरूरी है इट इज असेंशल बिकॉज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट मैनेजिंग ऑर्गेनाइजेशनल टैंजेबल एंड इनटेंजेबल रिसोर्सेज टू अचीव इट्स लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव फॉर सस्टेनेबल कंपेरिटिव एडवांटेज इन द इंडस्ट्री आपको इसमें बहुत सी टर्म्स इस डेफिनेशन के अंदर बहुत सी टर्म्स नजर आई होंगी मिसाल के तौर पर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव रिसोर्सेज सस्टेनेबल कंपेरेटिव एडवांटेज और इस तरह की और बहुत से टॉपिक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में आते हैं जो बड़े क्रिटिकल हैं एक ऑन्टरप्रनोर के लिए अगर हम ब्रॉडली देखना चाहें तो ब्रॉडली स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर तीन मेन फेजेस होते हैं नंबर वन स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन नंबर टू स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन और नंबर थ्री इज स्ट्रेटेजी इवेल्युएशन एंड कंट्रोल इन तीन फेजेस से गुजर के ही आपका बिजनेस वेंचर आपके आइडिया से लेकर एक्चुअल ऑपरेशंस तक सफर तय करता है यानी कि अगर हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को देखें तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर जो मेन एरियाज कवर किए जाते हैं वो ये हैं सबसे पहले बात होती है बिजनेस के विजन एंड मिशन की फिर बात होती है इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंटल स्कैनिंग की इसको इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरमेंटल ऑडिट भी कहा जाता है जिसमें अपनी स्ट्रेंथ्स अपनी वीकनेसेस और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को असेस करते हैं फिर उसके बाद बनाते हैं अपनी स्ट्रेटजी अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ एंड योर वीकनेसेस एंड अकॉर्डिंग टू द दर्चुनिटीज एंड थ्रेट फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और मल्टीपल स्ट्रेटजीज बनाते हैं फिर उनमें से जो बेहतरीन होती है आप उसको चूज करते हैं अपने बिजनेस के लिए आप एनालाइज करते हैं मल्टीपल स्ट्रेटजीज को और फिर कोशिश ये करते हैं कि उन स्ट्रेटजीज की वजह से आपका जो बिजनेस है उसके की सक्सेस फैक्टर्स आइडेंटिफाई हो सकें ताकि आपको मिल सके एक सस्टेनेबल कंपेटिटिव एडवांटेज फॉर अ सस्टेनेबल ग्रोथ क्योंकि जितने भी ऑन्टरप्रनोर्स जो खास तौर पे स्क्रैच से अपना बिजनेस शुरू करते हैं बहुत छोटे पैमाने से शुरू ये करते हैं उसके बारे में लिटरेचर अक्सर ये कहते हैं उनके उनकी लाइफ दो या तीन साल ही हो पाती है और बहुत से बिजनेसिस बल्कि ज्यादातर बिजनेस दो या तीन साल की लाइफ साइकिल से आगे नहीं जा पाते हैं। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही होती है कि उन वो एक्चुअली में अपने इंश्योर नहीं कर पाते की सक्सेस फैक्टर्स जिसकी वजह से उनको सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं मिल पाती उसके बाद आ जाती है इंप्लीमेंटेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑपरेशनल प्लान्स यानी जितने भी आइडियाज हैं जो आपने स्ट्रेटजीज बनाई हैं उनको रिसोर्स एलोकेट करके बाकायदा जब आप ऑपरेशन अपनी प्रोडक्शन प्रोसेस शुरू कर देते हैं वहां तक के आने का फेज और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज रिव्यू करना कि क्या आपकी स्ट्रेटजी बिल्कुल ठीक है मार्केट में बिल्कुल ठीक से फंक्शन कर रही है कि नहीं कर रही आपको उसके डिजायर रिजल्ट्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे बिकॉज आपने फोरकास्ट किया होता है कि आपका बिजनेस आपको कितने सालों में आपको ब्रेक इवन तक ले आएगा और कितनी प्रॉफिटेबिलिटी आपने अपने लिए कितना मार्जिन आपने अपने लिए रखा होता है ग्रोथ का और सक्सेस का और उसके साथ साथ मयर्स एंड कंट्रोल्स यानी जहां जहां आप देखेंगे कि आपके प्रोडक्शन प्रोसेस में या आपके प्रोडक्ट डिजाइन के अंदर या कहीं भी जो इश्यूज आ रहे हैं आपने उसको फिक्स भी करना है अब अगर ये तमाम के तमाम एरियाज हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के तो इन्हीं को हम देखते हैं कि ये तमाम एरियाज अगर हम तीन ब्रॉड कैटेगरीज में एडजस्ट करना चाहें तो हम इनको कहाँ कहाँ कर सकते हैं मिसाल के तौर पर हमने पहली बात की थी तो हमने बात की थी स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन की सो so, अगर आप विजन एंड मिशन स्टेटमेंट बना रहे हैं अपने लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हैं आप इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का ऑडिट कर रहे हैं आप मल्टीपल स्ट्रेटजीज बना रहे हैं आप कोई यूनिक बिजनेस मॉडल बना रहे हैं अपने की सक्सेस फैक्टर्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं या अपना कंपेरेटिव एडवांटेज या आपका यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन डिजाइन कर रहे हैं तो बेसिकली आप स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट कर रहे हैं फॉर्मुलेशन स्टेज पर हैं उससे नेक्स्ट पर आते हैं जिसको हम स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन फेज कह रहे थे यानी जब आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपने वेंचर के लिए आप स्ट्रक्चर्स डिजाइन कर रहे होंगे पॉलिसीज बना रहे होंगे आप रिसोर्सिस की लिस्ट डाउन करके ये फैसला कर रहे होंगे कि कौन कौन से रिसोर्सेज चाहे वो फाइनेंशियल हो चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हों चाहे वो इंफॉर्मेशनल रिसोर्सेज हों वो कहा एलोकेट होंगे फिर अपने फंक्शनल एरियाज अगर आप Uh, जो है वो डिजाइन कर रहे हूं जिसमें मार्केटिंग भी आती है जिसमें फाइनेंस भी आता है जिसमें आपका एच आर ह्यूमन रिसोर्स भी आता है और जिसमें आपकी आर एन डी भी आती है और उसके साथ साथ यानी यू आर पुटिंग योर स्ट्रेटेजी इन टू रियल एक्शन तो ये सारा काम बेसिकली आ रहा होगा स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन में और जो थर्ड हमारा फेज था दैट वॉज स्ट्रेटेजी इवेल्युएशन तो उसमें क्या हो रहा होगा कि जब तमाम चीजें इन ऑपरेशन होंगी तो आप साथ साथ रिव्यू करेंगे कि क्या आपकी स्ट्रेटजी टू हेट द मार्केट क्या वो ठीक थी क्या आपकी प्राइस ठीक थी क्या आपकी प्रोडक्शन ठीक है क्या आपका प्रोडक्ट डिजाइन ठीक है क्या सप्लायर्स आपके अच्छे हैं क्या उनके साथ जो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है क्या वो अच्छा है क्या आप जिन नेटवर्क्स के अंदर मूव कर रहे हैं वो नेटवर्क्स आपके लिए यूजफुल हैं या नहीं है लाइकवाइज आपके जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स आपने बनाए हैं जो मयज बनाए हैं वो किस तरह से इंश्योर हो रहे हैं आपकी प्रोडक्ट या सर्विस जीरो डिफेक्ट है और आप बार बार अपनी जो स्ट्रेटजी सिलेक्टेड स्ट्रेटजी है उसको रीडिजाइन किए जा रहे हैं ताकि आप उसके सारे एरर्स रिमूव कर सकें तो आप बेसिकली स्ट्रेटजी इवेल्यूएशन फेज के अंदर हैं अब बात करते हैं ऑनटरप्रीनोरशिप की ये तो था सारा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट और अगेन ज्यादातर यही समझा जाता है कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सिर्फ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन कॉरपोरेट के लिए है जब हम ऑनटरप्रनोरशिप में आते हैं तो ऑनटरप्रनियोरशिप के भी बहुत से मेन एरियाज हैं मिसाल के तौर पर आपसे काफी हद तक ये डिस्कस हो चुका है कि मेन एरियाज ऑफ ऑन्टरप्रनोरशिप क्या हो सकते हैं जैसे क्रिएशन या ग्रोथ ऑफ वेंचर फिर उसके बाद डायवर्सिफिकेशन खासतौर पर अगर आप ग्रोथ स्टेज पर आप डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं लाइक अपने वेंचर की परफॉर्मेंस को मैया करना इंडस्ट्री डायनामिक्स को समझना अपना कंपेटिव एडवांटेज को सस्टेन करना इंश्योर करना लॉक करना जिसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट वाले भी काफी कंसर्न्स आ सकते हैं इसी तरह आपका प्रोडक्ट और उसका इकोसिस्टम यानी आप कोई ऐसा प्रोडक्ट डिजाइन नहीं कर सकते जो इन्वायरमेंट के लिए थ्रेट uh, हो आपके छोटा बिजनेस हैं या बड़ा बिजनेसिस हैं या आप ग्रो कर रहे हैं एज एन ऑन्टरप्रन्योर तो आपको मर्जर्स एक्विजिशन अलायसेस के इश्यूज आएंगे आपको इनोवेटिव प्रोडक्ट डिजाइन भी चाहिए अगर ये ऑन्टरप्रनोरशिप के सारे के सारे एरियाज हैं तो यू कैन वेल आइडेंटिफाई कि ऑनटरप्रन्योरशिप और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बहुत ज्यादा एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि अगर आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट उसमें इस्तेमाल होने वाले टूल्स से वाकिफ हो गए हैं तो आप एक ज्यादा बेहतर ऑनटरप्रन्योर बन सकते हैं आप अपने बिजनेस वेंचर को के डिसीजन ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं इन पूरे एरियाज के अंदर जब हम आपके साथ स्ट्रेटेजिक ऑन्टरप्रिन्योरशिप की बात करेंगे तो हम कौन कौन से टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस करेंगे यानी वो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से ही हमने लिए हुए हैं और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर बहुत स्कूल ऑफ थॉट्स भी हैं हम थियोरेटिकल साइड पर नहीं जा रहे अगेन हम कोशिश कर रहे हैं कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट और ऑन्टरप्रन्योरशिप का एक अच्छा मिक्स आपको दे सके ताकि आपका फैसला बेहतर हो सके यानी हम बात करेंगे कि अगर आप एक नया वेंचर इस्टेब्लिश कर रहे हैं या ग्रो करना चाहते हैं तो आप कंपेटिव एडवांटेज को अपने यूनिक सेलिंग प्रापोजिशन को और कंपेटेटिव एडवांटेज के साथ हम हमेशा एक वर्ड ऐड करते हैं दैट इज सस्टेनेबल कंपेटिव एडवांटेज एक सस्टेनेबल कंपेटिव एडवांटेज खास तौर पर एक न्यू वेंचर किस तरह से इंश्योर करता है हम आपको बताएंगे कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का प्रोसेस क्या होता है विद द व्यू विद द लेंस ऑफ ऑन्टरप्रन्यरशिप हम विजन और मिशन स्टेटमेंट खास तौर पर अगर वो नया वेंचर है या आपका ग्रोइंग बिजनेस है याद रखिएगा आपने जब भी अपना बिजनेस ग्रो करना है आप स्मॉल से मीडियम मीडियम से लार्ज साइज में जाएंगे तो ये आपके बिजनेस की जरूरतें बनती चली जाएंगी आपको विजन और मिशन स्टेटमेंट इन राइटिंग लाने पड़ेंगे तो इसीलिए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट खास तौर पे ज्यादा क्रिटिकल हो जाती है उन बिजनेसेस के लिए जो अपनी ग्रोथ स्टेज पर होते हैं लाइकवाइज हम आपसे बात करेंगे कि मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स किस तरह से सेट किए जाते हैं खास तौर पर स्ट्रेंथ और वीकनेसेस चाहे वो आपकी अपनी एज एन ऑन्टरप्रन्यर हो चाहे वो आपके बिजनेस की हो जिसको हम इंटरनल असेसमेंट या इंटरनल ऑडिट कहते हैं किस तरह से की जा सकती हैं कौन से टूल्स अवेलेबल हैं जो आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं हम बात करेंगे अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेड्स की जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में पाई जाती हैं जिसको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ऑडिट कहते हैं हम बात करेंगे की सक्सेस फैक्टर्स की हम बात करेंगे कॉम्पिटिशन की हम बात करेंगे कि मल्टीपल स्ट्रेटेजीज की जरूरत क्यों पड़ती है हम क्यों नहीं सिर्फ एक ही स्ट्रेटेजी को फॉलो कर लेते हैं हमें मल्टीपल स्ट्रैटेजीज की जरूरत क्यों होती है और हम बात करेंगे कि जब आप अपने बिजनेस को इन एक्शन लाए होंगे अप, आपका वेंचर चल रहा होगा तो आपने करेक्टिव मयस किस तरह से और क्यों लेने हैं यानी एक्यूरेट कंट्रोल्स की आपको क्यों जरूरत है सो बेसिकली टॉपिक सारे देखे जाएं तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के हैं बट विद द लेंस ऑफ ऑन्टरप्रन्यरशिप ये उतने ही क्रिटिकल हो जाते हैं चाहे आप नया बिजनेस बना रहे हों चाहे आप ग्रोथ स्टेज पर हो और चाहे आपने अब अपनी फर्म को एट अ लार्ज स्केल किसी जगह पे रजिस्टर करना हो इन सब टर्म्स से आपकी फेमिलराइजेशन बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि जब आप ये काम कर रहे हो तो आपको एग्जैक्टली exactly मालूम हो कि ये काम आप क्यों कर रहे हैं और इन टर्म्स के मतलब क्या हैं सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो